नमस्कार, खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के मिशन राजस्थान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजस्थान के दौरे पर थे। यहां श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी की रैली को उन्होंने संबोधित किया और उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अपनी रैली में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान अशोक गहलोत उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। वहीं कांग्रेस की सरकार में जब अशोक गहलोत प्रदेश के सीएम बने तो सचिन पायलट ने कई बार उनसे वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी बहन की तरह हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए कहा कि जब हम यहां आ रहे थे तो हमने देखा कि गहलोत साहब ने पूरे गंगानगर और इस स्टेडियम के आसपास अपने पोस्टर लगा रखे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया होता तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। यहां 15 से 20 लोग आए और वो कुर्सियां फेंक रहे थे। ये सब कायरों की हरकतें हैं। आपने 5 साल काम नहीं किया और यही कारण है कि आपकी रैलियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी रैली में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है देश कैसे चलेगा। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले कहा कि 2000 का नोट आएगा, कुछ साल में ही 2000 के नोट को बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, केंद्र सरकार ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। वहीं दिल्ली में केंद्र में अध्यादेश को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। गौरतलब ये भी है कि इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में चुनाव होने से पहले ही प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के साथ अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी की एंट्री से समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है। अपने भाषण की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार पर हमले से भी की। पीएम मोदी अहंकारी है ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश नहीं मानते, देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, मैं सुप्रीम का आदेश नहीं मानता, ये तानाशाही है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा। तो आपका मिशन राजस्थान शुरू हो चुका है। दिल्ली और पंजाब को जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है और जिस तेज गति के साथ उसकी गाड़ी चल रही है उससे ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान पर कब्जा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जो ये रैलियां हो रही हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए ये चेतावनी हो सकती है, क्योंकि जिन मुद्दों को उठाकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उन मुद्दों में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर लगाया है। तो चलिए इसी पर बातचीत के लिए खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। संजीव निगम प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अटल खंडेलवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव निगम जी आपसे ही करना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिल्ली पंजाब जीतने के बाद अब राजस्थान को फतह करने के लिए जिस हिसाब से आपकी गाड़ी जितनी तेजी से चल रही है, क्या ये माना जाए कि मिशन राजस्थान भी उसी तरह कामयाब हो पाएगा जैसा दिल्ली और पंजाब में किया, ये रैलियां कमाल कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी और हमें सफलता नहीं मिलेगी। ना मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। शुरुआती दौर से भी आप सब लोग इस बात के गवाह है किस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है और जाकर के जो वायदे करती है, जो भरोसा दिला के आती है, जो गारंटी बोलती है, हम उसे निभाते हैं, हम उसे करते हैं।
दिल्ली में बाकायदा हमने करके दिखा दिया दो बार के कार्यकालों में, कार्यकाल के दौरान, और पंजाब में आप देख रही हैं, पंजाब में चल रहा है बहुत अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए, खुद बताइए आप कि हिंदुस्तान के किस मतलब क्या पहले जो सरकारें पंजाब में रही हैं उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि जो है जो चार चार बार पांच पांच बार के एमएलए हैं वो हर बार के एमएलए की पेंशन ले रहे हैं। एक आम आदमी को, इसको आप ओपीएस मतलब पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल पा रही है, वो रोज आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सारे जीवन जो है नौकरी करता है 35 साल 40 साल आपके यहाँ, और फिर उसे आप नहीं दे रहे हो। पंजाब का एमएलए जो है तीन तीन चार 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 बार पांच पांच बार से हर बार की पेंशन ले रहे हैं, कितना अंधा कानून चल रहा था किसी ने नहीं देखा, किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आया। हमारी सरकार जब रही पंजाब सरकार, तो उन्होंने ऐसा किया, मान साहब ने एक बार किसे पेंशन मिलेगी, तो ऐसी तमाम जो भ्रष्टाचार वाली जो है नीतियां थी उनको हम बंद कर रहे हैं, और अच्छी नीतियां जो लोगों के लिए जुड़ी हुई है, क्योंकि अब ये जो है आज का युवा जो है ये कोई इंतजार करने के लिए नहीं, बहुत तेजी से बढ़ना चाहता है, अपना योगदान भी दे रहा है। तो जैसे पंजाब और दिल्ली को आपने फतह किया है, उसी रणनीति के तहत आप राजस्थान को फतह करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आम आदमी ने फतह किया है, हमने क्या फतह किया है, आम आदमी खुद आगे आकर के सरकार बनवाएगा, सरकार बनाई है दिल्ली में, बनाई है दो बार और पंजाब में बनाई है, तो वहां बनाएगा, हम कुछ नहीं करते कि हम चाहें कि हम ये कर लें, हमने कोई फतेह फतेह नहीं किया, आम आदमी खुद बुलाता है, खुद करता है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो है ठीक है, हम लोग तो ठीक है ठीक है। इसका जवाब ले लेते हैं पंकज जी से, कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ। पंकज जी, लगातार फतह पर फतह की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, अब राजस्थान में भी उसी तेजी से कदम बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी जैसे उसने दिल्ली और पंजाब को फतह किया है, लेकिन जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रही है, हिमाचल कर्नाटक की जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि आपको संजीवनी मिली है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की हो रही रैलियों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा? क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इस तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रयोग किया, वो किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं है, नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति सो चूहे खाकर बिजली बिल्ली हज को चली वैसी वाली सिचुएशन हो गई है। लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इन्होंने जनता के कोई काम नहीं किए। आप देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े महकमे थे इनके, दोनों महकमों के जो मंत्री हैं वो इस समय जेल में हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में हैं। इन्होंने जहां शिक्षा की व्यवस्था को और बढ़ावा देना चाहिए था, वहां इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी। तो ये लोग अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हैं और इनका किसी भी तरीके से नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने इतने सालों राज किया और उसके बाद अगर आज जो स्थिति है देश की, गरीबी की तरफ बढ़ रही है, लोग शिक्षित नहीं है, जिस हिसाब से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो इन दो पार्टियों का ही काम है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आईआईटी से अपने आप को पास बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा आप सब लोगों ने कल सुनी होगी। अगर अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की ऐसी भाषा है तो वो बिल्कुल निंदनीय है। आप देखिए, राजनीति में एक संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए, शिष्टाचार बना रहना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उस शिष्टाचार को भी भूल चुके हैं और ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जिसको वो कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये कई बार अरविंद केजरीवाल जी कई बार सार्वजनिक तौर पर कई लोगों पर हमले कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं होता हमले करने का, कि हर किसी पर ये व्यक्तिगत हमले करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता को भी समझना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, इन्होंने स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करने की बात की थी, लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने किसी भी नई स्कूल को इन्होंने ओपन नहीं किया है, कोई भी नई भूमि अधिग्रहण नहीं किया है, कोई नई स्कूल ओपन नहीं किया है। जो पुराने स्कूलें थी जो कांग्रेस के राज में बनी, जो शीला दीक्षित की सरकार के राज में बनी, उन स्कूलों का इन्होंने केवल रेनोवेशन किया और जनता को केवल पागल बनाने का काम इन लोगों ने किया है। उनके मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हालत है, हम से छुपा हुआ नहीं है। तो ये देश को जनता तय करना पड़ेगा, राजस्थान की जनता को तय करना पड़ेगा कि ये ऑफर भी तो दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंकज जी, आपको बड़ा ऑफर दिया गया है, इस ऑफर को अपनाएंगे आप? नहीं, किसी तरीके के ऑफर को हम लोग अपनाने के मूड में नहीं। राजस्थान की सरकार लगातार आखिरी कतार में बैठे व्यक्ति के काम कर रही है। आप देखेंगे कि जो गरीब कल्याणकारी योजना है राजस्थान की सरकार के नेतृत्व में, जगह जगह गांव गांव ढाई ढाई
महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करें। खुद मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जिले दर जिले वो ठीक है लगातार अपनी पंकज जी, मैं यात्राएं आपके कर रहे हैं, पास दौरे कर लौटूंगी। रहे हैं। हमारे साथ अटल खंडेलवाल भी जी बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने 75 साल शासन किया और अब उस कगार पर लाकर देश को खड़ा कर दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी अपनी भ्रष्टता दिखा रही है, लगातार भ्रष्टाचार कर रही है और देश का जो जनतंत्र है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खतरे में है। जो राजा है, सरकार है, केंद्र सरकार उस तरह से नहीं चला पा रही है देश को जैसे उसे चलाना चाहिए। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आज आपका शासन है वो सबसे बर्बाद शासन है। आप चाहे दिल्ली में देख लीजिए, दो कैबिनेट मंत्री जिनके पास 19 डिपार्टमेंट थे और वो दोनों अंदर है। आप देखेंगे भ्रष्टाचार की बातें करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कभी बात कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं, तो ये इसी तरीके का रवैया रहा है हमेशा से। आप अन्ना हजारे के अंदर बैठे थे, यही अरविंद केजरीवाल तो कुछ और बोल रहे थे, उसके बाद शासन में आ गए। जितनी भी रेवड़ियां बांट गई, आईटीए की बात करते हैं आप, मैंने ये आईडिया है रेवड़ियां बांटना, क्या आईडिया है? आप देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे ह्यूगो शावेस, जो 1919 से 2013 तक एक बढ़िया राष्ट्रपति था वेनेजुएला, लेकिन उन्होंने भी इसी तरीके से रेवड़ी बांटी, मसिया बने, अपने देश को बर्बाद कर दिया। अपनी ही आय आय तो देखती है, हर वक्त उसका बखान करती है। किया क्या उन्होंने? आप है कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो अंदर, आप देखिए शिक्षा मंत्री वो अंदर, जो भी देखो इनका फाइनेंस मिनिस्टर अंदर, भ्रष्टाचार की बातें कर सकते तो ये नहीं समझ में आता जी। बिल्कुल, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए हो वो व्यक्ति के लिए पर जाकर के 75 साल से यहाँ 75 साल से इन लोगों को 75 साल से देश पढ़ाए। आपका मिशन राजस्थान में किस हद तक कामयाब होगा इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे इस बात के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से दबाव बनाने के लिए आपने जो शर्तें रखी कांग्रेस के आगे, क्या ये दबाव की राजनीति मानी जाए? क्या दिल्ली पंजाब अगर कांग्रेस छोड़ देगी, वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, तो आप भी क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ देंगे? ये इस तरीके का ऑफर जो आपकी तरफ से दिया गया, इसके पीछे का क्या वजह मानी जाए? डर गए आप? सौरभ भारद्वाज जी है जो हमारी पार्टी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जरूर कहा है। और इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि तमाम विपक्षी दल देश के लिए एक हो रहे हैं, अगर देश में कुछ बेहतर करना है, जिस हिसाब से ये अध्यादेश अभी लाया गया है, उस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल साहब जो है देश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो अगर कांग्रेस ऐसा समझती है कि हमें भी कुछ देश के लिए करना है, हालांकि अब इन्हें क्या करना है, ये कैसे करेंगे, इतने साल तो उन्होंने शासन किया है, लेकिन फिर भी एक ये मौका है, एक आखिरी मौका है। अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है कि हमें, हम बीजेपी को जो जो इनका जो है जुल्म और अत्याचार पूरा ऊपर तक का भर चुका है, अगर उसको हमें जो है खत्म करना है, एक अच्छा शासन देना है एक लोगों के लिए, तो अगर उसमें कुछ सोच सके तो सोचे, क्योंकि इससे क्या होता है, नुकसान ही हो रहा है। नुकसान हो रहा है इस ऑफर के पीछे की वजह? नहीं, वजह तो देखिए बहुत साफ है, वजह स्पष्ट है, क्योंकि तमाम दल जो है सब एक साथ बैठ रहे हैं। अभी 23 जून को शायद पटना में भी मीटिंग है, तो वो बैठ करके उसका पर्पस यही है कि अगर आप जो है वोट बेकार न जाए और वो सही काम, अगर हम किसी कैसे इनको परास्त दें, इनको शिकस्त दें बीजेपी वालों को, अध्यादेश पर कांग्रेस साथ आ जाए, इसलिए आपने ये ऑफर दे दिया। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, अगर कांग्रेस सतर्क समझती है, गलत है या सही है ये तो कांग्रेस से पूछ लेंगे, ये सोचे। और अगर नई कांग्रेस को सोचना है, अगर कांग्रेस को उभरना है, कुछ करना है, तो ठीक बात है, नहीं तो कांग्रेस की तो लुटिया डूब रही है, ठीक है, ये छुपी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब हम पंकज जी से लेंगे। पंकज जी, ऑफर दिया गया है अध्यादेश पर अपना समर्थन दें और जो दो राज्य हैं उनमें वो चुनाव छोड़ देंगे और ये आपको मंजूर है,
इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, अध्यादेश के समर्थन के लिए तो फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, हमारा संसदीय दल लेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। लेकिन जो बात इनके ऑफर्स की है, तो ये हम सबको समझना होगा कि आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो जिन मुद्दों को लेकर सरकार और सत्ता में आई ना, उन मुद्दों को भुला चुकी है। ये ऐसी पार्टी है जिसके दो मंत्री जो 19 से ज्यादा डिपार्टमेंट संभालते थे, वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं और आज सलाखों के पीछे है। कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कब सलाखों के पीछे जा सकते हैं? कभी भी हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप तय हो चुके हैं लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी, आप देखिए जिस जिस राज्य में ये चुनाव लड़ने जाती है, इससे किस फायदा होता है? इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए लगातार काम कर रही है, महंगा राज शिविरों के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। सर, बीजेपी को नुकसान होता है तो मेरी बात सुन लीजिए, जिन मुद्दों के माध्यम से सरकार सत्ता में आए, शिक्षा के नाम से सत्ता में आए, लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने एक नई स्कूल दिल्ली में नहीं बनाई है। सिर्फ जो स्कूलें कांग्रेस सरकार में बनी हुई थी, उन स्कूलों का केवल नवीनीकरण किया गया। इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए तो आपको ऑफर दिया गया है। देखिए, संजीव जी कह रहे हैं कि आपको इसीलिए ऑफर दिया गया है कि बीजेपी को फायदा न पहुंचे। अरे, आप फायदा दिलवाना चाहते हो तो फिर आपकी आपकी मर्जी है। आप खुद मान तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी को फायदा, ये किस तरीके की राजनीति आप लोग करने आ रहे हैं? विचार करिए, ये बिल्कुल इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप सिर्फ जनता के मुद्दे पर तो राजनीति नहीं करना है, अपने नेताओं को बचाने के लिए सिर्फ किस तरीके की राजनीति आप करना चाहते हैं? जी, मैं आ रही हूं आपके पास, चेहरा देख रहे हैं जी, आपकी मर्जी है जी। खंडेलवाल जी, लगातार इस बात को लेकर भी आप पार्टी जिस हिसाब से बार बार कह रही है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की आपस में मिली भगत है और मिली भगत के अनुसार ये सारे काम किए जा रहे हैं, मिली भगत है। मैडम, मैं आपके मंच से ही कहना चाहूंगा कि आप खुद देखिए, ये मंच पे बैठ करके और दोनों एक दूसरे से सौदेबाजी कर रहे हैं। आप हमारे साथ आ जाइए, आप जनता को किसी की नहीं पड़ी हुई है ये दोनों की, उसको बीजेपी को फायदा ना हो जाए कि अपने अध्यादेश की बात कर रहे थे आपके साहब। आप बताइए, एक तरफ तो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं इनके माननीय केजरीवाल जी कि बीजेपी लोकतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इनका न्यायालय भी नुकसान, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। आप देखिए, अध्यादेश ये जब से हमने जो कि संसदीय प्रणाली है उसके तहत सारे निर्णय लिखे हैं और जब न्यायालय का निर्णय आया तो उन्होंने कहा कि हम न्यायालय को तो मानते हैं लेकिन इन्होंने जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है इस पे हम समर्थन देते हैं, मानते हैं कि गलत निर्णय, तो ये खुद नहीं मानते, केवल ये आरोप लगाते हैं। इनका काम आरोप लगाने और बंकर बाट आप किसी भी स्टेट में देखिए, यही नहीं राजस्थान में वो भी क्षेत्रीय पार्टियां आपके इनके मत विभाजन होते हैं, हमारा मत हर बार बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, पंकज जी, लोगों से कनेक्ट होंगे जी, बिल्कुल ताकि सौदेबाजी। पंकज जी कहिए। देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि जनता के हितों के लिए तो इन्हें पिछले 8 साल में एक काम नहीं किया। आप देखिए रोजगार की स्थिति देखिए, पिछले 8 साल में जो लोगों को 22 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए, राजस्थान महंगाई की हालत सब लोग देख रहे हैं कि महंगाई किसी चरम पर पहुंच चुकी है, 45 साल के रिपोर्ट महंगाई पहुंच चुकी है। सिलेंडर की रकम सबको पता है, पेट्रोल डीजल की रकम सबको पता है, वही कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है, फ्री मुफ्त के जो दावे हैं वादे हैं उनके जरिए आपने हिमाचल कर्नाटक को जीता। देखिए, हम लोग जनता को राहत काम को काम देने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने ओपीएस की योजना दी, चिरंजीवी योजना दी, आपको याद नए नए कॉलेज ओपन किए, हम लोग जनता को दे रहे हैं, पशुओं के लिए बीमा हम लोग। लेकिन आप तो मुफ्त योजना का पहले विरोध कर रहे थे। तो देखिए, वेलफेयर स्टेट में जनता को राहत तो हम लोगों को देनी पड़ेगी और उसके लिए पैरामीटर्स डिफाइंड है कि किन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो ये बीजेपी ये कह दी कि हम रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको तो सोचना चाहिए कि ये जब ये खुद से जब ये 500 रुपए का सिलेंडर की घोषणा गुजरात में करे तो वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, और राजस्थान में अगर हम लोग जनता को दें
मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता को दी गई राहत के खिलाफ ये है, ये बताएं जनता को कि ये अगर दी राहत के खिलाफ है तो जनता को क्या करना चाहिए, सामने आकर कह रहे हैं कि जनता के खिलाफ है, जनता की दी राहत के खिलाफ है, जनता का दोहरा चरित्र है वो इस जनता को भी समझना पड़ेगा। आने वाले 2023 के चुनाव में जनता छोड़ देगी। जवाब ले ले खंडेलवाल जी, बहुत बढ़िया कदम था उनके फादर ने कहा, बच्चे ये नहीं कि चिरंजीव योजना से 4 लाख के खर्च में मुझे 80,000 मात्र मिले हैं। ये है कि आपने जो कैसे आप कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा में कैसे जवाब देंगे खंडेलवाल जी? आप बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, कई मुद्दों को उठाकर कांग्रेस भी सामने आ रही है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी जिस गति से राजस्थान को जिस कांग्रेस के डिपार्टमेंट के बेसमेंट DOIT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर वो व्यक्ति जिन्हें पकड़ा गया है डिप्टी डायरेक्टर, वो पिछले 12 साल उसी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है कि आप पैसे अच्छी तरह और डिपार्टमेंट से भी ज्यादा तो इन लोगों के यहाँ इसी तरीके से पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा तो मशीन लगा रखी भ्रष्टाचार ने 10 साल, और ये राहत पैकेज तो केवल के अभी 6 महीने से इन्होंने बोरों में कामों में कहा जाते पैकेज देते फ्री देते खंडेलवाल जी। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, 75 सालों में कुछ नहीं किया। अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्ट है कि बस जनता को गुमराह करने का काम। आप भी बताइए ना, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर, 19 डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं, वो जेल में पड़े हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? आरोप लगाने की ठीक है संजीव जी। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए आपसे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी यहाँ भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी के ये मंत्री जेल में। अरे भाई आपने जो है, आप कहते हो डबल इंजन, आप डबल इंजन ही डबल बैरल की सरकार चला रहे हो, एक तरफ से ईडी और एक तरफ से CBI दोनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप भी तो सौदेबाजी कर रहे हैं। अच्छा जो बेईमानी करेंगे मैडम उसको पकड़ेगा कौन? आप ये बताइए मैडम कि जो बेईमानी करेगा देश में उसके लिए वो एजेंसी है? ठीक है ठीक है, निगम साहब आप भी तो सौदेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस को ऑफर दे रहे हैं। सौदेबाजी नहीं की, देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ देश के लिए, अगर देश हित के लिए, लोगों के लिए। अरे भाई आप पढ़ती आ रही है बचपन से कि भारत एक विकासशील देश है, आप अपने बच्चों को भी आप यही पढ़ाएंगे, आप विकसित देश का बोले देखना चाहेंगे। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो कुछ करना है, हम भारत के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई सौदेबाजी नहीं है। अगर हमको भी अपना बलिदान करना पड़े तो भी हम तैयार है, हमारे नेता भी कहते हैं। निकम साहब या फिर खंडेलवाल साहब और पंकज जी, ये तो अब जनता देखेगी, ये जनता तय करेगी कि किसकी भलाई के लिए कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दावे वादे सबने किए हैं और सरकार काम भी सभी का जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले जो साल के अंत में जो चुनाव होंगे वो ये डिसाइड कर देंगे कि जनता को किसकी सरकार समझ में आई, काम उसकी बेहतरी के लिए किसने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।